राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में 20 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने उपचुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। शोभा सोनी पार्षद पद के लिए यहाँ से बीजेपी की सीट से जीत आई थी, जिनका निधन सितंबर 2020 में कोविड-19 के कारण हो गया था। वहीं अब वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव 20 दिसंबर को होगा और 23 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी द्वारा प्रचार किया जा रहा है। हम चुनाव मैदान में हैं और साफ सुथरा चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 15 साल में जो विकास किया है इस वार्ड का या पूरे शहर का या फिर पूरे प्रदेश का, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उन मुद्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, क्योंकि 3 साल इस सरकार को भी हो गया, 1.5 साल से यहाँ नगर निगम में भी इनकी सरकार है, 1.5 साल में इन लोगों ने 1 रुपये का काम इस वार्ड में नहीं किया। 1.5 साल में इन लोगों ने ये जरूर कोशिश किया कि मुस्लिम समाज का जो भवन हमने 25 लाख रुपए दे रखा है, जिसपे अभी स्टे एनटीसी का, वो पैसा कोई श्री सुदेश देशमुख नाम का व्यक्ति है उसके समाज को ट्रांसफर करने की इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी। हमने पूरे प्रयास करके अंबेडकर द्वार लगाया, अंबेडकर द्वार का विरोध कांग्रेस के लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर के किया। हमने दिवंगत समाज के लिए विशाल भवन बना करके दिया है। जिन समाज का यहाँ पर बाहुलता है उन समाज के सभी कामों को हम लोगों ने समय समय पर पूरा किया है। इनको तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। हम विपक्ष में है केवल ये कह रहे हैं कि हम कहाँ से विकास कराएंगे। हमारे पास विधायक है, हमारे पास सांसद है, हम सांसद और विधायक निधि से पैसा ला करके यहाँ का विकास कराएंगे।